prove that sin theta minus cos theta plus 1 whole by sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 upon sec theta minus tan theta. Okay, using the identity sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. बच्चे अगर ए नहीं होता तो आप क्या करते हैं, इसको साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करते. ओके, साइन कॉस में कन्वर्ट करते, इसके बाद आप इजीली जो है लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर सकते हो. बट वन कंडीशन शुड बी अप्लाई ऑन हियर, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो बच्चे इसका यूज करेंगे, इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे प्रूव कर रहा हूं. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा. ओके, आपको एलएचएस से आरएचएस की तरफ बढ़ना है. ओके, आगे चलना है और एलएचएस से आरएचएस की तरफ जब चलेंगे तो किसका यूज करेंगे, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. I think you know about trigonometric identity formula, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay, first formula, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Okay, third one, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Okay, there are three formula in trigonometric identity. Okay, sin square theta इस तरीके से हम इनका यूज करेंगे बच्चे. ठीक है, ऐसे इसने कंडीशन दे रखा है कि यूजिंग द आइडेंटिटी sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. मीन्स ऑलरेडी इसने बोला है, इस क्वेश्चन ने क्या कहा है बच्चे, आपको इसका यूज करना है. ओके, तो हम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का एलएचएस वैल्यू क्या बच्चा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1. ओके, अब बच्चे हमें लाना है किस टर्म में, सेक और टेन के टर्म में. ओके, यू नो अबाउट दिस फॉर्मूला, साइन थीटा होल by cos theta is equal to tan theta. Tan theta is equal to sin theta by cos theta. Okay, you know about this. तो इस तरीके का कभी का टर्म आएगा आपको, sin by cos means tan. Okay, tan theta. तो यहाँ से देखते हैं कुछ ऐसा मिलेगा. हाँ, मिलेगा. Sin by cos means cos theta से हम क्या करेंगे बच्चे, दोनों साइड में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. ओके, इससे डिवाइड कर देंगे cos थीटा से. ओके, इस तरीके से करेंगे तो हमें क्या वैल्यू क्या मिलेगा बच्चा, sin थीटा डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहां पे sin थीटा by cos थीटा, यहां पर क्या आएगा बच्चा, cos थीटा by cos थीटा, यहां पर क्या आएगा, 1 by cos थीटा. ओके, इस तरीके से डिनोमिनेटर पार्ट में भी यहां पर क्या आ जाएगा, sin थीटा by cos थीटा माइनस देन माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा. ओके, होल बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा. डिनोमिनेटर में भी इस तरह से हमें कॉस से कॉस थीटा से डिवाइड करना, प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा. ओके, इस तरह से टर्म मिला आपको, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा. ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, टेन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा बोथ आर कंसर्न. ओके, माइनस 1 प्लस 1 बाय कॉस थीटा मींस सेक थीटा होल बाय टेन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा कैंसिल माइनस sec थीटा. ओके, यहां तक वैल्यू आपको मिला.
यू हैव गॉट दिस वैल्यू टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा होल बाई टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। ओके तो बच्चे हम यहाँ टेन थीटा इसको एक सीक्वेंस में करते हैं, जो वेरिएबल क्वांटिटी एक मतलब ऐसे एक साइड और कॉन्स्टेंट वैल्यू टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन होल बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, सेम टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ओके अब यहां से हम सबसे हमें इसका यूज करना है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ टेन थीटा से थीटा टर्म तो मिला बच्चा, लेकिन हमें स्क्वायर के फॉर्म में जनरेट करना है। स्क्वायर के फॉर्म में जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, उसको कुछ ऐसा करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। ओके कुछ ऐसा करेंगे कि स्क्वायर के टर्म में आए, स्क्वायर के टर्म में क्या आए तो हम थोड़ा सा हम उस पर एक माइंड का एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ हमें क्या होगा। ठीक है तो टाइम थीटा प्लस से थीटा तो कुछ इस तरीके का हम कर सकते हैं, जैसे बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। ओके इस तरीके का हम इस फॉर्म में उसको जनरेट करेंगे। यहाँ पर क्या बच्चा a प्लस बी इस तरीके से a माइनस बी वाला टर्म मिल जाएगा, फिर तो क्या आ जाएगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। ओके तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा प्लस sec थीटा ओके माइनस वन, पूरे में किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे tan थीटा प्लस sec थीटा, मींस a प्लस बी के टर्म में है, इसे किस टर्म में बच्चा a प्लस बी टर्म में है, तो a माइनस बी टर्म हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी टर्म अप्लाई करेंगे मींस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ओके टेन थीटा माइनस सेक थीटा, जब डिनोमिनेटर वैल्यू में आपने मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी आपको क्या करेगा बच्चा करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से यहां पर भी हो जाएगा बच्चे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ओके अब क्या करेंगे, एक बार इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे जो स्मॉल ब्रैकेट के साथ, फिर सेकेंड माइनस के बाद फिर पूरे का मल्टीप्लाई इस वन में करेंगे। ओके तो ये वैल्यू क्या फाइंड आउट होगा बच्चा टेन थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा मींस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है, तो उस तरह से यहाँ ए ए अज्यूम दैट ए इक्वल टू टेन थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मींस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके बच्चे अब सेकंड माइनस लेक माइनस वन का मल्टीप्लाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा करोगे बच्चा तो क्या आएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, होल बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। नेक्स्ट टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यू नो अबाउट sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके यूजिंग दिस आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या करेंगे बच्चा वन प्लस टेन स्क्वायर पुट अप करेंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चा यहां पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस
माइनस एन स्क्वायर थीटा मीन्स माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई वन होगा तो माइनस वन, ठीक है, माइनस और प्लस वन का मल्टीप्लाई होगा माइनस वन, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा बच्चा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा हम पहले कर दिए, माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इन सेकेंड ब्रैकेट माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा होल बाई, यहां क्या है बच्चा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इन सेकेंड ब्रैकेट टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो था कैंसर, यहां क्या बचा, बचा माइनस वन, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, ठीक है, तो माइनस टेन थीटा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस सेक थीटा होल बाई से, ओके। तो क्या है बच्चा, माइनस वन, माइनस वन आफ्टर दिस माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा होल बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इन सेकेंड ब्रैकेट टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ओके। अब देखो बच्चा, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी में कुछ ऐसा है मैच कर रहा है जो कैंसिल हो, टेन थीटा यहाँ, टेन थीटा यहाँ, सेक थीटा यहाँ, सेक थीटा यहाँ, वन कुछ साइन प्रॉब्लम है, मीन्स इसका जो सिंबल है क्या है, माइनस है माइनस, हम माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं, माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं तो माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ए बी टर्म आपका प्लस हो जाएगा, ए बी टर्म प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी ए टर्म प्लस है, ए टर्म प्लस है, और माइनस से कॉमन करेंगे तो ऑलरेडी ए माइनस टर्म आ जाएगा। तो ये हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट लाइन आपका माइनस कॉमन कर लिया तो यहां पर क्या बचा बच्चे, वन प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा होल बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इन सेकेंड ब्रैकेट टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ओके। अब देखो इनका और इनके साथ कैसा रिलेशनशिप है, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशनशिप है, और ये पूरा है तो ये कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है, ओके। तो अब क्या करोगे, वन प्लस टेन थीटा, अब ये बस सोचना कि यहाँ पर वन प्लस टेन थीटा माइनस एक थीटा या टेन थीटा माइनस एक थीटा प्लस वन, अब इस तरह से अगर आप है फोर प्लस फाइव माइनस वन ऐसे बोलो या फोर माइनस वन प्लस फाइव बोलो, बात तो सेम है कि नहीं, जस्ट सेम। वन क्या आपका पॉजिटिव वैल्यू है, टेन क्या बच्चा पॉजिटिव वैल्यू है, सेक आपका कौन सा वैल्यू है बच्चा नेगेटिव वैल्यू है, जस्ट सेम। टेन थीटा यहाँ पर क्या बच्चा, टेन यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, प्लस वन है तो प्लस वन है, माइनस सेक थीटा है तो माइनस सेक थीटा है कि नहीं है, ठीक है। तो मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा ये लगे तो एक लाइन और आप इसमें जो है कि इंक्रीज कर सकते हो, कैसे करोगे, माइनस इसकी तरह इसको बना दो या इसकी तरह इसको बना दो, ओके। तो हम इसको वन प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा होल बाई, यहां पर क्या है प्लस वन, हम इसको यहां वन लिख कर दिए, ओके बच्चा, प्लस टेन थीटा, प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ओके, इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ओके। अब देखो ये सेम हो गया कि नहीं हो गया, इन सबको हम क्या कर देंगे, कैंसिल होगा, तो यहाँ वन वैल्यू आ जाएगी, तो फिर इसके बाद यहां क्या है बच्चा, माइनस वन माइनस वन बाई
टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ओके प्रूफ क्या करना बच्चा, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, प्रूफ यही करना, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहां पर क्या माइनस वन अपॉन टेन थीटा पहले है, माइनस सेक थीटा, इस माइनस का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे इसमें करेंगे माइनस। अगर कभी भी ऐसा है बच्चा, अगर माइनस फोर बाई फाइव है, माइनस अगर इस तरह से ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में अगर आपका माइनस है, इसको आप ऐसे कर सकते हो फोर अपॉन माइनस फाइव, ऐसे भी बोल सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं। इसके बाद इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो माइनस फोर बाई फाइव, आप सब राइट है आपका। ओके उस तरह से क्या बच्चा, माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा मीन्स इसको आप कर सकते हो वन अपॉन, ओके ये माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो इसके पास प्लस माइनस, तो माइनस टेन थीटा ये क्या हो जाएगा बच्चा प्लस सेक थीटा। और यू कैन से वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू आर एच एस वैल्यू, राइट हैंड साइड आपने क्या प्रूफ करना था, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके हेंस प्रूफ, इस तरह से आप प्रूफ करो बच्चा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,